दोस्तों, क्या आप भी लगाना चाहते हो पेन ड्राइव में अपनी फोटो या कोई भी इमेज? तो चलिए जानते हैं कि कैसे लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक फोटो होनी चाहिए। उसको आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एडिट पर ओपन करना है, या फिर आपको यहाँ पे ओपन विद पर जाके एमएस पेंट पर ओपन कर देना है। जैसे इसमें ओपन करोगे, आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्रॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको चौकोर काट लेना है, इस तरीके से इसको चौकोर काट लेना है। इस यहाँ पे आपको चौकोर काटने के बाद वापस फिर से इसको क्रॉप पर क्लिक करना है, जैसे हमारी कट गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फाइल पर जाना है, सेव एज पर जाना है। जैसे सेव एज पर जाना है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पर सेव कर देना है एक बार। जैसे आपको सेव एज पर जाओगे तो यहाँ पे आपको नाम देना है, वन कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे आपको करना है चॉइस बिट बीएमपी फाइल में, इसको आपको बीएमपी फाइल में कन्वर्ट कर देना है और आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हटा देना है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक और फाइल आ गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके न्यू पर जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आप उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है यहाँ पे आपको ऑटो रन। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नाम देना है आइकॉन, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे हमने जो हमारी फाइल है, ये हमारी पूरी होने वाली जो हमने क्रॉप की थी, ये रही उसका नाम हमने वन दिया था ना, इसको यहाँ पे आप लिखना है वन। यहाँ पे डॉट लगा के हमने इस फाइल को बीएमपी में कन्वर्ट किया था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बीएमपी। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है फाइल पर, यहाँ पे आपको सेव एज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नाम दे देना है, जैसे हमें मैंने दे दिया ऑटो रन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो रन नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप डॉट लगा के आपको लिखना है INF इन्फो। जैसे आप इसको सेव करोगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक और ये ऑटो रन की फाइल बन चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें दिस पीसी को ओपन करना है अपने फाइल फोल्डर को। ये रही हमारी, देख सकते हैं ये रही है मेरी पेन ड्राइव, 8 GB की है। आप कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटा के कट करके पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे इसको पेस्ट करोगे तो आपको वापस यहाँ पे आ जाना है, और आपको अपनी पीसी से इसको अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है। जैसे रिमूव करोगे वापस इसको इंसर्ट करना है पीसी के अंदर। जैसे आप इसको पीसी के अंदर दोबारा इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो है वो पेन ड्राइव, इसके अंदर यहाँ पे आइकॉन वो सेट हो सकता है। इसी तरह आप अपनी फोटो भी यहाँ पे आप वो लगा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।